ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। दिल्ली के जनकपुरी में स्थित दिल्ली हाट में 24 दिसंबर को इंडियाज बिगेस्ट ब्यूटी सेमिनार एंड टैलेंट अवार्ड शो हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा मेकअप आर्टिस्टों ने भाग लिया। इसके साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन फूल सिंह डागर और मंजू डागर ने किया। इस कार्यक्रम में कई सम्मानित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। दिल्ली के जनकपुरी स्थित दिल्ली हाट में इंडियाज बिगेस्ट ब्यूटी सेमिनार एंड टैलेंट शो का आयोजन किया गया। इसमें 50 से ज्यादा मेकअप आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतियोगियों को पहले ग्रूमिंग सेशन देने के बाद उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला।
फ्रेंड्स, एवन न्यूज टीवी पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका और आज हम आए हैं दिल्ली हाट, जहाँ पर चल रहा है इंडिया बिगेस्ट ब्यूटी सेमिनार। ये मैं आज से 5 साल पहले मेरे मन में ये विचार आया कि इस अपना मेकअप के उसमें बहुत ही प्रतिभाएं ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, लेकिन उनको पब्लिसिटी नहीं मिल पाती। इसलिए मैंने ये विचार आया कि इसके लिए एक सेमिनार किया जाए और एक बड़ा अवार्ड शो किया जाए, जिसमें कि हमने यहाँ पर अलग अलग तरह के मेकअप और अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन भी रखा गया है जिसमें कि 48 सही वो जो काम कर रही है अपना अपना मेकअप करके दिखा रही है, उनको सभी को स्टेज पे आएंगे। ये जो मेकअप आर्टिस्ट हैं किस किस राज्य से आए हुए, कहाँ कहाँ से आए? ये ऑल इंडिया से आए हुए सर, पूरे राजस्थान से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, कुछ गुजरात से भी हैं, कानपुर से हैं और दिल्ली और NCR तो हमारा पूरा है जी। तो इसमें किस तरह की विधाएं सिखा रहे हैं, कुछ जानकारी दे पाएंगे? यस मैम, यस सर, इसमें आई ब्रश मेकअप और आईब्रो मेकअप, परमानेंट आईब्रो और एयर ब्रश मेकअप और कंटोरिंग और बारीकियाँ जो होती है मेकअप के बारे में वो स्टेज पे बिल्कुल सिखाई जा रही है, ये बात है। और अलग अलग हेयर स्टाइल और जो 3D मेकअप जो आजकल चल रहा है उसके ऊपर खास फोकस है मंजू डागर का। आपकी जो मिसेज मंजू डागर है, कब से मेकअप के क्षेत्र में? ये 16 साल की उम्र से ही इस लाइन में आ गई थी। इसका एक बहुत है के अंदर जुनून था कि मैं एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनके दिखाऊं। इस जुनून को आगे बढ़ाने में मैंने उनका साथ दिया और आज आपके सामने आप देख रहे हो एक अच्छी सेलिब्रिटी मेकअप और इंटरनेशनल मेकअप के रूप में आपके सामने पेश। दिस साइड सोनिया वर्मा, मेकअप आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी का मेकअप करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है हर फील्ड में जाके काम करना, अपना काम दिखाना, और मेरे को ये मेरा पैशन है, मेकअप माई पैशन। और आज सेमिनार है फैशन का, इसमें आकर आपको कैसा लगा और क्या सीखने को मिला? यहाँ सबसे पहले थैंकफुल हूँ मैं फूल सिंह डागर जी का, मंजू डागर जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। वो हर साल मुझे बुलाते हैं यहाँ पे, ऐसे जूरी मेंबर मैं आई हूँ आज। और यहाँ कॉम्पिटिशन होता है, हमारे लिए मुश्किल होता है बहुत कि हम लोग इतने सारे बंदों में से किसी को फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ और हर साल आना अच्छा लगता है। क्या बारीकियाँ होती हैं जिन पे आप खास तौर पे एक जूरी के नाते निगाह रखते हैं? देखो, अब इस फील्ड में आना और जूरी मेंबर में सबसे पहले देखना कि आप क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड आप निकाल रहे हो, क्योंकि हर किसी की मेहनत होती है, मेहनत पे सब डिपेंड होता है। और पूरा हेयर भी, मेकअप भी, ड्रेसेस भी, पूरा बॉडी टेक्चर कैसा है, सब कुछ हमें देखना पड़ता है और बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। 100 में से एक निकालना, 50 में से एक निकालना बहुत मुश्किल है। कुछ हमारे दर्शकों को कुछ ब्यूटी टिप्स देना चाहिए सर्दी के मौसम के लिए, क्या करने से? ब्यूटी के लिए खुश रहना जरूरी है सर। मैं बोलूं कि आप ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, अगर आप दिल से खुश नहीं है तो आप ब्यूटी कभी नहीं मिलेगी आपको। सबसे पहले तो मैं फूल सिंह डागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे इनवाइट किया। और ये हर अच्छे लेवल पे प्रोग्राम्स करते रहते हैं और सबसे बड़ी ब्यूटी यहाँ पे मुझे ये लगे कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए अपना हुनर दिखाने के लिए, और एक जो इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए इनका। बिल्कुल, इस तरह के प्रोग्राम लोगों को करवाते रहना चाहिए और ये करवाते रहते हैं, कभी गुड़गांव, कभी कहीं, कभी कहीं। आज इन्होंने फर्स्ट टाइम दिल्ली में करवाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ तो आने वाले टाइम के अंदर ये यहाँ पे और भी बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं, जिसकी वजह से जो ब्यूटी में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो मैं उसके लिए डागर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरीके से प्रोग्राम करवाते रहें और समाज का अच्छा करते रहें। मैं नाम कृष्णानंद सा है। कहाँ से आया है? मैं करवाक से आया हूँ। ओके, जो आपने अभी हेयर स्टाइल किया है तो किस तरह का हेयर स्टाइल किया है, आप दिखाएंगे? मैं इनका फायर कटिंग किया हूँ, बालों में फायर कटिंग किया हूँ कि जिनके बाल माथे पे आते थे, और माथे पे आने से क्या है, फायर कटिंग करने से क्या हो, सारे बाल पीछे हो जाते हैं और वेक्स ट्रायल आया जो इतनी पड़ता है बिल्कुल भी,
और बहुत अच्छे बाल उगाते हैं। अब इनके बाल, आपके बाल पीछे नीचे आ रहे हैं, अब नहीं आ रहे ना, क्योंकि अब देखो बाल बिल्कुल बढ़िया हो गए, बाल बिल्कुल हो गया, सही हो गया, क्योंकि फायर कटिंग से ना ड्राई लाना पड़ेगा ना वेस्ट लाना पड़ेगा, और बाल ऑटोमेटिक पूरे महीने का सेट रहेगा। ऐसे बाल बहुत अच्छे उगाते हैं पूरे, बिल्कुल कोई जो नहीं है, एक बार लगाओ नहाओ दो, नहाने के बाद भी बाल, बाल धोने के बाद भी है ना बाल खराब नहीं होता, बाल बहुत अच्छे आते हैं हेयर कट से, बहुत बढ़िया आते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सेमिनार किए हैं और क्लास किए, लाइव शो किया है यहाँ पर, और बहुत अच्छा हुआ है, भगवान की दुआ से बहुत अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसलिए बहुत बढ़िया हो गया। और इसमें स्किन में कोई हीट वगैरह भी नहीं आती, बहुत बढ़िया आता है। सर मैं बहुत टाइम से ब्यूटी लाइन में हूँ, जिसे मैं थोड़ा सा, मेरा बहुत मन था कि मैं बहुत आगे तक जाऊँ, इसके बाद मैं हस्बैंड को बोलती कि भाई मुझे इतना आगे जाना, आगे जाना, इनको कभी टाइम नहीं होता था। अभी इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ, सिर्फ अभी हमारी 4 ईयर्स की मेहनत के बाद मैं आज स्टेज पे खड़ी हूँ। इससे पहले मैंने बहुत मेहनत कर चुकी, पर जब तक हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं हो पाता। तो सर आज मैं अपने हस्बैंड पे प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू। राज्यों से लोग आपके यहाँ पर प्रतिभागी के रूप में आए? सर अभी तो इतना तो नहीं बोल सकते, बॉम्बे, पूना, महाबलेश्वर, राजस्थान, सोनीपत, पानीपत, जितने भी हैं मोस्टली हर जगह से आए हुए हैं। तो अभी इतना आइडिया तो नहीं बता सकते कितने आए हुए, पर बहुत जगह से हमारे पास जो लिखा हुआ है, हमने जो काउंट करके लोगों को रखा है, उसमें बहुत राज्यों का नाम है। देखिए सर, मेकअप क्या होता है, जब बंदे को एक बार मेकअप अच्छे से करना आ जाता है तो उसको ज़्यादा सोचने की, समझने की जरूरत नहीं होती। मैं महिमा चौधरी जी का मेकअप कर चुकी हूँ, जो हीरोइन है, और दीपशिखा नागपाल का कर चुकी हूँ, बरखा दुगल का कर चुकी हूँ, तो और अमृता राव का कर चुकी हूँ, तो आज प्रीति झांगियानी का मेकअप मैं कर रही हूँ सर। अभी हमें आज मेकअप में देखा कि बहुत कम समय में आपने उनका एक तरह से रूप बदल दिया। सर देखिए, अगर हम ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर उसमें पब्लिक भी बोर हो जाती है, हमारे पास क्लाइंट जो आता है, क्लाइंट के पास टाइम बहुत कम होता है। क्लाइंट क्या बोलता है, हमें 10 मिनट में मेकअप चाहिए, 15 मिनट में मेकअप चाहिए, तो हम अपनी स्पीड कम करेंगे तो क्लाइंट हमारा निकल जाएगा। अगर हमारा क्लाइंट निकल गया तो सर क्या बचेगा हमारे पास? कोई हमारे दर्शकों को ऐसा मेकअप टिप की सर्दियों में किस तरह से क्या बचाव या क्या? देखिए सर, सर्दी में ज़्यादा मेकअप की वो बचाव की कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, गर्मी में हमें बहुत सोच समझ के मेकअप करना पड़ता है, बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में, सर्दी में तो 12 घंटे आराम से मेकअप चल जाता है। ये जो आजकल जो विदेशी और देशी दोनों तरीके के जो मेकअप आते हैं, ये लॉन्ग टर्म तक यूज करने से चेहरे पर कोई प्रभाव तो नहीं? नहीं सर, देखिए आप मेकअप डेली यूज करिए, नाइट में आप फेस वॉश करिए अच्छे से, नाइट क्रीम यूज करिए, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और कुछ हमारे दर्शकों को आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखो सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे जो स्टूडेंट है, इतना क्राउड है, सब लोग इतना अच्छे से हमारे पे लोग यकीन करते हैं कि हम कितना क्या, जो हम जिसको बोलते हैं वही हम उनको देते हैं। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, सब लोग इतना हमारे से खुश है, क्योंकि हम झूठ बोल के कोई काम नहीं करते। आपकी टीम में आज कौन कौन सहयोगी रहे आपके साथ? सर टीम में तो बीएल सेन सर है, और संजय राजपूत है, जितेंद्र शर्मा है, तो सर ऐसे ऐसे हमारे बहुत सहयोगी है। आई एम बी एल सेन, ड्रीम राजस्थान पार्लर, हनुमानगढ़ जंक्शन। ब्यूटी टैलेंट शो का अगर कोई नाम आता है तो सबसे पहले आता है मंजू डागर और फूल सिंह डागर का, जिन्होंने दिल्ली में रहते हुए इतने बड़े बड़े इवेंट कराए, इतने बड़े बड़े शोज कराए हैं, इतने बड़े बड़े सेमिनार्स कराए हैं। इनका मेन मिशन क्या है कि ये खुद टैलेंटेड एक बहुत अच्छे ट्रेनर ट्यूटर हैं, और इनके स्टूडेंट जो हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। हम भी राजस्थान से आए हैं, करीबन 15 स्टूडेंट जो हैं, करीबन इनसे 600 किलोमीटर दूर से आज हम दिल्ली के अंदर इनका प्रोग्राम देखने आए हैं। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें टैलेंट कितना कूट कूट के भरा हुआ है। इनका दूसरा मिशन है कि ये जितने टैलेंटेड है इनका स्टूडेंट भी वैसा ही हो। तो ये हमेशा प्रमोशन के लिए क्या होता है कि हर स्टूडेंट को स्टेज पर लेके आते हैं, उनको लाइव डेमो करवाते हैं, और पब्लिक जब देखती है तो खुद एक स्टार बन जाता है। तो ये स्टार है, इन्होंने हर एक बच्चे को जो इनके स्टूडेंट को स्टार बनाने के लिए जो ये तरीके चलाए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन दोनों का और इनकी टीम का। और आज भी हम इनकी टीम के सदस्य हैं, बन चुके हैं। आज ड्रीम ब्यूटी स्टूडियो जो है टैलेंट शो दिल्ली के अंदर इवेंट कराना बहुत मतलब टफ है, बट इनके लिए ईजी है क्योंकि इनके पास टीम है। टीम का मतलब इनके पास स्टूडेंट की जो संख्या है अपार, और इनका जो नॉलेज है उनका कहना ही क्या। तो मैं हमेशा मतलब अप्रिशिएट करता हूँ इन टीम को कि जब भी कहो इनके लिए ये रहता है कि ये प्रोग्राम रेडी है आपके लिए, आप आओ। तो अब अगला प्रोग्राम जो है हम राजस्थान में करवा रहे हैं, मंजू में हम वहाँ आ रहे हैं, और
मंजू मैम के नाम से ही हमारे क्राउड जो है कहने की जरूरत नहीं है, 400 से 500 की क्राउड ऑटोमेटिक बनती है और ये ब्रांड नेम बन चुका है और हम चाहते हैं कि हम भी मंजू मैम और डागर सर की तरह बने। थैंक यू। सबसे पहले जब कोई काम सीखने की बात आती है तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि हम किस ट्रेनर को उठाएं, किसके पास सीखें, तो ब्रांड नेम में जब मंजू मैम का नाम आता है तो वही बात है कि मंजू मैम हमेशा परिस्थिति के अनुसार चली हुई है और ये हमेशा देखती है कि स्टूडेंट की एक्चुअल लाइफ कैसी है। उसको सुधारने के लिए जरूरी नहीं है कि पैसा सब कुछ हो, एक बहुत लिमिट के बजट के अंदर बहुत बड़ा कोर्स करवाते हैं और वो स्टूडेंट जब कमाते हैं तो मंजू मैम का नाम मतलब भगवान की तरह ही पूछते हैं, तो हमेशा स्टूडेंट पे जो सिर पे हाथ इनका जो रहता है, इसी कारण की एकेडमी जो है इतने लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है और चलती रहेगी। आई एम मॉडल एक्ट्रेस शिल्पा कठैर एंड मैं मिसेस दिल्ली NCR रह चुकी हूँ 2018 में। कुछ एल्बम्स में भी वर्क कर चुकी हूँ, कमर्शियल एड्स में वर्क कर चुकी हूँ, पिंती फेस ऑफ होम शॉप 18 ऑल्सो, और मैंने आज तक बहुत सारे शूट्स किए हैं। ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ और मुझे आज यहाँ मंजू जी की मॉडल बन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल उन्होंने मुझे बना दिया है और मैं रियली थैंकफुल हूँ फूल सिंह डागर जी के लिए और मंजू जी के लिए जिन्होंने इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर रखा और अपने इस क्रिएटिविटी को मेरे ऊपर शो किया है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन हु ऑल हैव ट्रस्टेड मी और मैं आगे भी इनके साथ वर्क करते रहना चाहूँगी। स्टेज पर अपना मेकअप कराना बहुत ईजी टास्क नहीं है बिकॉज पर्सनली सब रेडी होते हैं तो बहुत सारे फ्लॉज भी होते हैं जो दिखते नहीं हैं लोगों को, लेकिन स्टेज पर जब आप सबके सामने रेडी होते हैं तो आपको बहुत ही परफेक्शन का एग्जाम्पल देना पड़ता है। नो डाउट आदर शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट और अ मॉडल, हम दोनों के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, तो नॉट एन ईजी टास्क और हम दोनों ने आज इसको बहुत ही ब्यूटीफुली निभाया है, थैंकफुल टू गॉड। मैंने मैम देखा कि शुरू में जब आप आए थे और मेकअप होने के बाद मतलब ज़मीन आसमान का एक तरीके से अंतर चेहरे में आ जाता है, तो ये खुशी कैसे लगती है? ये बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है, विद गॉड्स ग्रेस सूट करता है मेकअप और एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का अगर हाथ लग जाए तो ये एक खुशी दुगनी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये, नो डाउट। तो ये माना जाए कि मॉडल के चेहरे की चमक के पीछे कहीं ना कहीं मेकअप आर्टिस्ट का भी हाथ है? मेकअप आर्टिस्ट का ही हाथ होता है, वही आपका चेहरा बना भी देते हैं और कुछ मेकअप आर्टिस्ट बिगाड़ भी देते हैं। तो मंजू जी ने ये आप देख ही सकते हैं अपने सामने कि इस कंपटीशन के वे में जितने लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इतना कुछ सीखा है उनसे, तो मंजू जी ने डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जॉब अपने आप को प्रूव किया है यहाँ पर, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही पेशेंस का काम होता है, 2-3 घंटे बैठे रहना स्टेज पर और मुस्कुराते रहना होता है और अपने आप को इतनी सर्दी में भी आप देख सकते हैं कि मैंने कितने ज़्यादा वूलन क्लोथ्स पहने हुए हैं इस टाइम, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ आई माइट बी फीलिंग। सो मॉडल को बहुत ही परफेक्शन का एक एग्जाम्पल देना पड़ता है, सर्दी गर्मी का एहसास हम दिखा नहीं सकते और साथ में बहुत ही स्माइलिंग फेस रखना होता है स्टेज पर बिकॉज आपको बहुत सारी ऑडियंस एक साथ देख रही होती है। नहीं तो ये लंबे समय तक चेहरे पर मुस्कुराहट रहने का क्या राज है? देखिए राज कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब मैं बिगनिंग में यहाँ पर आई थी तो शायद मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बाद में मैंने ऐसे अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, अपने शूट्स देखे, तो हर बार आप एक नया लेसन लेते हैं, आप देखते हैं कि हाँ मुझ में ये कमी रह गई इस टाइम तक और उस चीज़ को हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आपने कब मॉडलिंग की शुरुआत कब से की? मॉडलिंग की शुरुआत किए मुझे 3 ईयर्स हो गए हैं और इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ पैशन आई स्टार्टेड विद और विद गॉड्स ग्रेस रेगुलर ऑलमोस्ट रेगुलर एंड ऑल्टरनेट डेज आई एम गेटिंग द शूट्स। आई एम सपना गुप्ता, मेकअप आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। कब से आप मेकअप आर्टिस्ट? मैं 12 ईयर से मेकअप लाइन में हूँ और मंजू मैम की फ़ैन हूँ, वो मेरी फ्रेंड भी हैं और उनके मेकअप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बताइए सर, किसकी सेलिब्रिटी का आप तक मेकअप कर चुके हैं? मैंने अमृता राव का किया है सर और बाकी मॉडल्स तो बहुत सारी हैं जिनका मेकअप मैं कर चुकी हूँ और काफ़ी सारे प्राइज भी मुझे मिले हैं, महिमा चौधरी हैं, अमृता राव, एक दो तीन और भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। मेकअप जो करते वक्त आपको याद पड़ता होगी कुछ समस्या थी और आपने उसे बढ़िया से सुलझा लिया? हाँ डेफिनेटली, स्टार्टिंग में जब तक मैंने क्रीज नहीं सीखा था, मेकअप में कट और क्रीज होता है, उसके लिए जब हम उसे सीख लेते हैं तो फिर कितना भी ख़राब मेकअप हो आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, उसे करेक्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम जब स्टार्टिंग में तो सर सभी को आती है, हमें भी आई और हमने भी उसमें इम्प्रूव किया। सुंदर लोगों को सजाना तो बहुत आसान होता है, कई बार ऐसे चेहरे भी सामने होते हैं जिन्हें सजाने में कुछ ज़्यादा मेहनत करती है। हाँ सर होता है ऐसा, लेकिन हम किसी भी चेहरे को हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, यही मेकअप का कमाल होता है।
हमारे दर्शकों को कुछ विशेष कहना चाहते हैं? सर मैं तो धन्यवाद भी देना चाहूँगी, बस ये भी कहना चाहूँगी जब लड़की को फर्स्ट टाइम देखें तो विदाउट मेकअप देखें, दैट्स इट। बीना छत्री। कहाँ से आए? नोएडा। ओके, तो आपने जो अपनी ब्राइड रेडी की है किस तरह का मेकअप है? ये मैंने अभी तो हेयर में दिया है सव्यसाची लुक जी, और मैं मेकअप करूँगी, कट क्रीज करूँगी, डबल कट क्रीज। रूबी मोती नगर। इंडियन ब्राइडल। ओके, तो आप इनका हेयर स्टाइल दिखाएंगे? यस। किस तरह का हेयर स्टाइल है? तो इंडियन ही है बट थोड़ा सा क्रिएटिविटी है जो न्यू अभी एडवांस में चल रहे हैं। तो उनका आई फोन अभी नहीं हुआ है, 9th ईयर्स। तो आप ब्राइडल रेडी करते रहते होंगे पहले? हाँ कंटिन्यू। तो आप किस तरह का मेकअप करना चाहते हैं? अभी मैं इंडियन ब्राइडल लुक। राजेश कुमार फ्रॉम हरिद्वार। पूजा, पूजा इज़ माय सिस्टर, शी इज़ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम हापुड़, और इसका मेकअप ऐसा है कि पूरे उत्तराखंड वाले दीवाने हैं इसके, बहुत अच्छा मेकअप करती है। तो ठीक है, तो आप उत्तराखंड से, अभी जो विंटर्स का सीजन चल रहा है, तो इसके स्पेशली कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? विंटर्स में सबसे पहले तो मेकअप करने से पहले हमें मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से करना है, अगर मॉइस्चराइजर नहीं होगा तो फटाफटा लगेगा। आपका नाम क्या है? नाम राज रानी। मैम आप कहाँ से? फारूक नगर से। कहाँ से? फारूक नगर। ओके, तो आप ये जो आप ब्राइड मेकअप रेडी कर रहे हैं, आपने जो ब्राइड रेडी कर रहे हैं, तो किस तरह का मेकअप कर रहे हैं? ब्राइडल मेकअप। नहीं, आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, किस तरह का मेकअप इन्हें देने जा रहे हैं? HD। और आप मैम, आपका नाम? शालू। सॉरी, शालू। बस स्मोकी मेकअप लेना चाहूँगी यहाँ पे। जी जी, ये एंगेजमेंट मेकअप है। हाँ, ये दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली से। मैं गुड़गांव से हूँ। ये ब्राइडल हेयर स्टाइल ब्राइडल में ऐसे चलता है आजकल बाहर में। आप एक बार पूरे दिखाएंगे ना चंद कर लगे? अभी थोड़ा कंप्लीट कर तो आप इस फील्ड में कब से हैं? 7 ईयर हो रहा है। 7 ईयर। ये प्रोग्राम तो हाँ एक वर्क। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे A1 न्यूज टीवी से। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।